और आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। G20 शिखर सम्मेलन की पर्यटन बैठक मई के महीने में कश्मीर घाटी में आयोजित की जाएगी। बैठक को लेकर यहां तैयारियां भी जोर शोर से जारी है। श्रीनगर शहर को नया रंग रोगन दिया जा रहा है। विभिन्न देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। घाटी में सियाहत से जुड़े लोग इस बैठक को लेकर बेहद पुरजोश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि इससे विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा मिलेगा, यानी बैरूनी ममालिक के सैयाह ज्यादा आएंगे, उन्हें रागिब किया जा सकता है। यहाँ के लोगों को यह भी उम्मीद है कि कई देशों द्वारा लगाए गए ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। देखिए, G20 के बारे में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो हमारी कंट्री इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है 2023 के लिए। और ये न सिर्फ हमारे जो जितने भी शोबे हैं मुंसलिक हमारे मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, सकाफत हो या इंडस्ट्री हो, किसी भी शोबे को वो उजागर करेगी G20 के फोरम में। और यहाँ पर कई तवक्कात हमें वाबस्ता हैं इस G20 के हवाले से। चूँकि मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और बिलखसूस मैं जहाँ कश्मीर की बात करता हूँ, यहाँ पर वो काफ़ी टाइम कुछ नामसाइद हालात रहे, जिनकी वजह से जो हमारे G20 में बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फ्रंट लाइन में आती हैं, उन्होंने एडवाइजरीज अपने जो नेशनल्स हैं उनको दे रखी थी कि नॉट ट्रैवल कश्मीर। लेकिन आज का जो टाइम है, आज के टाइम में जब हम देखेंगे ये जो उस वक़्त के हालात थे, मैं कहूँगा 12 साल या 15 साल पहले, वो आज नहीं है। आज के दिनों में हम कश्मीर में एक ऐसी फ़िज़ा को देख रहे हैं जहाँ पर हर एक मुल्क से यहाँ पर हम टूरिस्ट्स को देखते हैं। यहाँ हमारे अपने जो मुल्क के हैं डोमेस्टिक टूरिज्म हैं वो फलता फूलता नज़र आ रहा है। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से किसी कंट्री को ये शुबा रहे कि अगर उनके यहाँ पर नागरिक आएंगे या उनके टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको कोई किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें बहुत उम्मीद है इस बार कि ये जो ममालिक हैं, चूँकि अभी हमारे अप्रैल या मई के महीने में एक डेलीगेशन भी G20 का आ रहा है हमारी वादी में देखने के लिए, और वो ख़ुद भी इसका मुशाहिदा करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एडवाइजरीज दे रखी है अपने नेशनल्स को, वो उनको उठाएंगे और उनको भी अपने नेशनल्स को मौका देंगे एक ऐसी जगह को देखने के लिए जिसको वो देखना चाहते हैं बहुत टाइम से। एक बड़ी अच्छी खबर है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म है उस सेक्टर के लिए, जो पिछले 30 सालों से काफ़ी इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ जो बड़ी मतलब काफ़ी सारी एडवाइजरीज है पूरे मतलब यूरोप में है, US में है और काफ़ी सारी जगहों पर बाकी मतलब कंट्री वाइड में है। तो एक मैसेज एक जाएगा जो एक 150 डेलीगेट्स जो आ रहे हैं समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपनी आंखों से रूबरू हो जाएंगे हर किसी चीज़ से, खुद देखेंगे कि यहाँ का माहौल कितना मतलब पीसफुल है और यहाँ पे हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ है, नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ की है जो फेमस है जिसके लिए पूरा कश्मीर माना जाता है जम्मू कश्मीर, तो वो भी देखेंगे अपनी आंखों से, वो रूबरू हो जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। और एक जो हमारे को जो हम पिछले मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, जो 30 साल से एक धचका लगा है इस इंटरनेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री को, इनबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री को हमारी, उसके लिए काफ़ी सारी अच्छी होप है ये और बहुत उम्मीद है हमें इस सबमिट से। और ये मतलब ये लोग मतलब यहाँ पे आएंगे, काफी सारा मीडिया भी होगा उस टाइम पे, तो एक जो यहाँ से एक वॉइस जाएगी, एक आवाज जाएगी, एक पॉजिटिव वाइब जाएगी बाहर। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथ ही सरोज कफील का, जो कि तफसीलात के साथ इस वक्त मौजूद है। सरोज, सुबह की शुरुआत हम बेहद अच्छी खबर के साथ कर रहे हैं, G20 को लेकर श्रीनगर में खासतौर पर तैयारियां देखी जा रही हैं, किस तरह का वहां पर अभी तमामतर जो तैयारियां हैं उनको लेकर मकामी लोगों का क्या कुछ रद्दअमल है, सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। देखिए, बता दूं आपको, जो G20 की मीटिंग्स है कम से कम वो 56 सिटीज में होगी, डिसाइड हुआ है 100 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाली है यहाँ पे। और जो श्रीनगर है वो करीबन 7 से 8 मई के बीच में जो है वो पहली मीटिंग जो है यहाँ पे मुनक्किद होगी, जिसमें जैसा कि अभी आपने सुना भी 150 से ज्यादा डेलीगेट्स होंगी, 20 कंट्रीज से लोग आएंगे। यहाँ के लोग जो है काफी एक्साइटेड है, हम यहाँ के आर्टिसंस की बात कर ले, यहाँ के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात कर ले,
या बाकी जो आम जिंदगी से जो आम बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात कर ले। काफी एक्साइटेड है इसलिए क्योंकि जो अभी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट बन रहा है करीबन 11,000 रुपए जो है उसमें लगे हैं। अभी हमारी मेयर से भी बात हुई थी एसएमसी के, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और वो एक G20 और स्मार्ट सिटी का ये जो साथ में काम चल रहा है ये इसमें आप देखेंगे कि कई सारी जगहों पे जो पूरी सिटी है इसका फेसलिफ्ट हुआ है। बहुत सारी जगहों पे अभी G20 की होर्डिंग्स लगाई गई हैं और उसके बगैर जो है मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे जो है वाईफाई जोन बना दिए गए हैं। ये मैं आपको बताऊं ये वही कश्मीर है जहां पे कुछ साल पहले मोबाइल भी नहीं था और वाईफाई जोन्स बनाने के बाद साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं और उसके बगैर भी जो करीबन लगभग लोग जो हैं लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जैसा कि अभी आपने सुना एक कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे कश्मीर को देखेंगे समझेंगे। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि पिछले 30 साल में जो है पिछले 35 साल में कश्मीर बिजनेस वाइज बहुत पीछे चला गया था। अगर आप देखें तो कश्मीर की जो मेन इकोनॉमी थी 90 से पहले वो करीबन फॉरेन एक्सचेंज जो होता था वो काफी ज्यादा होता था क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट का आना बहुत ज्यादा था। लेकिन एक सिनारियो बन चुका था और उस वजह से जो है थोड़ा सा जो इकोनॉमी है वो भी डाउन हो गई थी। लेकिन अभी जो तैयारियां चल रही है G20 की उसमें हम आपको यही कहें कि ओवरऑल जोश फरोश है, हर एक तैयार है। आप कॉमन इंसान की बात कर लें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तैयारियां जोश फरोश से चल रही है। इंतजार है तो यही है कि मई में जो ये डेलीगेशन आएगी और हम अभी जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनसे भी मिले थे, आपने अभी अपनी स्क्रीन पे भी देखा होगा उन्होंने काफी सारे सोवेनियर्स बनाए हैं, अफगानी पश्मीना शॉल की बात कर लें और उन्होंने जो छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए हैं और उनसे छोटे छोटे सोवेनियर्स बनाए हैं। आप पेन स्टैंड की बात ले लीजिए, आप डायरीज की बात ले लीजिए। तो जो ये डेलीगेशन आएगी इवेंचुअली उनको एक छोटी सी बास्केट प्रेजेंट की जाएगी जिसमें GI 20 की पूरी पैकेजिंग बनाई गई है। तो इससे ये है कि आप एक तो एक माहौल जो यहाँ बना हुआ था जी वो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो माहौल बना हुआ था वो जब यहाँ पे इंटरनेशनली जब लोग यहाँ पे आएंगे जो ये डेलीगेशन जो 20 कंट्री से लोग आएंगे वो इस माहौल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सरोश, और G20 जो जिस तरह से हो रहा है सबसे अहम बात ये है कि जो एक बदलती तस्वीर है कश्मीर की कश्मीरियत की वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने पहुंचेगी। हमने लगातार देखा है कि वहाँ पर फन तो बहुत मौजूद है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अब कम से कम यहाँ के मकामी फनकारों को अपने फन को दिखाने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कश्मीर की वही तस्वीर अब इस G20 के बाद सामने आएगी जो अभी तक हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं या फिर हमने सीरियल्स में देखा था। बेशक बेशक, देखिए यहाँ के जो लोग हैं आप अगर आर्ट के हवाले से भी बात कर ले तो काफी ज्यादा आर्टिस्टिक रहा है, जिसे आप कहते हैं सूफी ऋषियों की वारी रही है यहाँ पे। अगर आप देखें तो हर घर में आपको एक राइटर मिल जाएगा, हर घर में आपको एक आर्टिस्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन हालातों की वजह से वो भी कहीं ना कहीं बन गए थे। अब यही है कि G20 के आते हुए मैं आपको बता दूं कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और उन कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। हमारी कल ही यहाँ बात हुई थी जो डायरेक्टर आए हुए थे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, उन्होंने भी हमें कहा कि जो G20 की तैयारियां उनमें इनका मेन एजेंडा सिर्फ एक आर्ट और आर्टिस्टन को बचाना नहीं है, जो यहाँ के ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है उन पे भी इस वक्त काम चल रहा है, जो यहाँ हेरिटेज बिल्डिंग्स है उन पे भी काफी ज्यादा काम चल रहा है। और यहाँ पे आम लोगों से ये भी कहा गया था कि G20 के होते होते अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जिनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं हम वो आपसे वापस नहीं लेंगे, आप हमें बताइए कि हम उन्हें प्रिजर्व कैसे करें, उन्हें केमिकली प्रिजर्व किया जाता है। तो ओवरऑल जो है आप कल्चर की बात कर ले, हैंडीक्राफ्ट की बात कर ले, आप ओवरऑल छोटे बड़े बिजनेसेस की बात कर ले तो हाँ एक बहुत ही अलग ही तस्वीर है जो बदलती हुई तस्वीर है जिसका सबको इंतजार है। तो जी जी बिल्कुल सरोज, सभी को इंतजार तो है। हम आपसे जानना चाहेंगे ऑफिशियल लेवल पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के जो जायके हैं वो भी पूरी दुनिया में बेहद मशहूर रहे हैं, वहां के खानों को भी क्या आगे लाने के लिए कुछ खास तैयारियां की जा रही, चूंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं आपकी बात हो रही है इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। बेशक, देखिए अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है या श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है जैसा कि आपने आपसे कहा अभी या जो भी इधारे हैं जो भी G20 से इस वक्त जुड़े हैं सबका अपने लेवल पे काम चल रहा है और स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री है जाहिर सी बात है यहाँ का एक फूड कल्चर जो है
एक एक आपको बता दूं कि एक डिफरेंस जो है जो बाकी हिंदुस्तान और कश्मीर में ये है कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो खाना है बनस्बत बाकी स्टेट्स के, ये बिल्कुल अलग है। तो हाँ, यहाँ का जो फूड कल्चर है उसके लिए भी जो यहाँ के लोग है, डिपार्टमेंट्स है, वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक स्पेशल प्रेजेंटेशन होगी। यहाँ का जो वाजवान है वो काफी फेमस है, जो बाहर की डेलीगेशन है उनके लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा। तो हाँ, उस हिसाब से भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, टूरिज्म वाले जो हैं स्पेशली, उनको काफी एक्सपेक्टेशन है। टूरिज्म को छोड़ के जो स्मॉल और बिग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हमारी किसी वो कारपेट मेकर्स जो है उनसे अभी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कुछ साल पहले तक कैसे जो इनके जो फॉरेन टूरिस्ट है वो एक मेन सोर्स होता था, जो आपको एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता था, और वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपसे कहा, जो ये 20 देशों से जो ये डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो खाली कल्चर ही नहीं, यहाँ की जो फिजाएं हैं, यहाँ की जो बाकी चीजें हैं वो उसको समझेंगे, उसको एक पॉजिटिव मैसेज के साथ आगे ले जाएंगे। और ये भी आपको यहाँ पे बता दूं कि एक ही मीटिंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे दो या तीन मीटिंग्स होंगी कम से कम इन 100 मीटिंग्स में से। जी जी। तो वो एक पॉजिटिव, जी वो एक पॉजिटिव साइन रहेगा। और ओवरऑल कहें तो जो यहाँ का ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस वक्त श्रीनगर का चेंज हो रहा है। हमारी जब मेयर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हाँ G20 की तैयारियां चल रही है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं अभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है रोड है वो खुदे हुए हैं, काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल से पहले हमें टारगेट दिया गया है कि 15 अप्रैल से पहले जो है हमें यहाँ पे सब कुछ तैयार करके रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद ही यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे। जी सरोश, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमने रिपोर्ट में देखी है वो ये देखी कि विदेशी पर्यटक यानी जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो तो आएंगे ही, कई जगह हमने देखा है कि ट्रेवल एडवाइजरी भी लगाई गई है। तो इस G20 की बैठक के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, और इसके बाद यहां से जाने के बाद जब वो पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो ज्यादा तादाद में यहां पर आएंगे। बेशक, और फॉरेन टूरिस्ट के हवाले से बात करें, हम आपको लोकल टूरिस्ट का भी कहें, अगर आपने देखा होगा अभी कि फरवरी में इस बार रिकॉर्ड फुटफॉल रहा है टूरिस्ट का, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आया है, और कहीं कहीं पे उन टूरिस्ट के साथ आप देखेंगे कि फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं। अभी जब यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी हुआ था और यहाँ पे करीबन नॉर्वे, इंग्लैंड और जर्मनी से काफी ज्यादा रश था, टूरिस्ट आए हुए थे, स्कीइंग के लिए आए हुए थे, और फिर उन्होंने जब यहाँ G20 की तैयारियां देखी, ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ का देखा, तो उनका कहना भी यही था कि वो यहाँ दोबारा आएंगे, वो जो यहाँ का एक नोशन बना हुआ था वो क्लियर हो जाएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो एक कश्मीर का नोशन बना हुआ है वो अगर पॉजिटिव हो जाए, वो क्लियर हो जाए, तो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आएगी। जी बिल्कुल सरोश, तो इस बेहद अहम बैठक के ताल्लुक से जो तैयारियां वहां जारी हैं, लगातार उन पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने तमाम तर जानकारी यहां पर दी है, और इस बेहद अहम खबर पर अपने नाज़रीन को इस तरह की रिपोर्ट्स हम लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आज का एजेंडा में जल्द लौटेंगे।